आदाब नमस्कार नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रजवी जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक उर्दू किताब पर गुफ्तु करते हैं और आज जिस किताब पर हम गुफ्तगु करेंगे उसका नाम है जीने दो जनक सिंह की ये किताब है जिसमें खुशहाल माशरा कैसे बने इस पर गुफ्तु की गई है और आज इस किताब पर गुफगू करने के लिए हमारे दरमियान हमारे बीच मौजूद हैं जनाब महजर रज़ा साहब आप गालिब इंस्टीट्यूट में सब एडिटर हैं और रिसर्च असिस्टेंट की हैसियत से अपने अंजाम दे रहे हैं बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में शुक्रिया सर पहला सवाल जो बनता है वो ये कि इस किताब के के हवाले से कुछ गुफ्तु करी की जाए और इस किताब का मताल हमारे लिए कितना ज़रूरी है कितना अहम है आपके ख्याल हमारे नाजरन के लिए जैसा कि आपने खुद ही बताया कि इस किताब का बुनियादी मौजू यह है कि एक खुशहाल माशरे की बुनियाद किस तरह रखी जाए और वो कौन से मसाइल हैं जिनकी बुनियाद पर एक खुशहाल मुशरा वजूद में आता है तो ये इस तरह के किताब है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फलसफिया मसाइल को नहीं पेश किया गया बल्कि उन मसाइल को जिनको हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में जिनका तजर्बा करते हैं उस उन मसाइल को इस किताब में पेश किया गया है मसला शादी में किस तरह से हमें शादियां करनी चाहिए और किस तरह से हमें अपने पड़ोस में वालों का ख्याल रखना चाहिए इस तरह के मसाइल को इस किताब में पेश किया गया है मसला ये कि शादी ब्याह का जो मसाइल हैं उनमें हम ये देखते हैं कि रोज़ हम फजूल ख़र्ची से काम लेते हैं शादियों में तो उन फजूल ख़र्चियों को हम किस तरह से आ, कंट्रोल करें और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा मसाला है जिससे आप ये कह के सबकदोश नहीं हो सकते हैं कि ये जिसके पास पैसे होंगे वो तो ख़र्च करेगा ही नहीं हमें आ, उन लोगों को जो सब हैसियत हैं उनको ये समझाना होगा कि आ, जो आप कर रहे हो उससे एक निज़ाम भी बन रहा है और इसकी कीमत वो शख्स चुकाता है जिसको जो इस लायक नहीं है जिसके जो साहिब हैसियत नहीं है तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है लिहाजा हमें ख़ुद भी इस बात को कंट्रोल में रखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने अखराज को करेंगे समाज में जो चीज़ एक बार राइज हो जाती है हम उसकी नकल करने लग जाते हैं उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं इनमें वो लोग तो बच जाते हैं निकल जाते हैं जिनके पास जराए हैं जिनके पास पैसा है इस्तात है मगर वो लोग उस नकल में फंस जाते हैं जो लोग चाहते तो हैं कि वैसा करें मगर वो कर नहीं पाते ये तरीक़ा गलत है ये रिवाज गलत है इसके लिए समाज को आगे आना होगा इसका हल क्या बताया है जी बिल्कुल बहुत आपने बुनियादी सवाल किया और इस मसले को इस किताब में काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस किया गया है कि क्या वजह है कि इस तरह के मसाइल में हम उलझ जाते हैं वजह यह है कि हम जो है वो अपने ख्वाहिशात के असीर हो गए अच्छा ख्वाहिशात कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है हर अच्छाई की बुनियाद भी ख्वाहिश है हमने जितना इस दुनिया में डेवलपमेंट किया है उसकी इब्तः ख्वाहिश से होती है तो ख्वाहिश बुरी चीज़ नहीं है लेकिन बुरी चीज़ यह है कि जब तक ख्वाहिशात हमारे कंट्रोल में हैं तब तक कि हम अच्छा काम करते हैं लेकिन जब हम ख़ुद को ख्वाहिशात के कंट्रोल में दे देते हैं तो वहीं से ख्वाहिशात फिर हमें हमारे जहन को भी अपना सीर बना लेती हैं और फिर वो हमें सही और गलत के फैसले का लायक भी नहीं छोड़ती हैं तो किताब में ये बताया गया है कि आप ख्वाहिशात को ना मारिए अपनी ख्वाहिशात आपके अंदर होनी ही चाहिए और वो रहेंगी क्योंकि वो फितरत है आपकी लेकिन आप उसके असीर ना हो जाइए अपने आप को उसके सिपर्ट न कीजिए समाज की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों को जो कि बाहरी दिखावा जिसको कहते हैं शान शौकत का मुजाहरा या के बेजा दिखावा जिसको कहते हैं इस पर लगाम लगाई जाए और ये जो जो रस्म रिवाज हैं जो कि फ़ालतू के हैं और जो बुरे हैं जिस जिसको जिनको हम बुराई कह सकते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके तो शादी ब्याह की बात हो गई और औरतों के हकूक़ और उसके के मतलब भी इस किताब में काफ़ी कुछ ज़िक्र है ताँगी ताँगी उस पर हाँ उस पर हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या है ये आपने बहुत बिल्कुल सही बात कही कि काफ़ी तफसील के साथ इस फजूल खर्ची के ऊपर और शादी ब्याह के मसाइल के ऊपर काफ़ी यानी तफसील से उन्होंने लिखा है अच्छा उसमें क्या है कि जहेज़ को उन्होंने मौजू बनाया है कि जहेज़ जो है वो हमारे अंदर क्या क्या परेशानियाँ पैदा पर करते हैं तो अब आप ये देखिए कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है लेकिन एक बात ये हकीकत है कि जो हमारे यहाँ भूर्ण हत्या है जो शिकम में हम बच्चियों को कत्ल कर देते हैं तो उसकी एक वजह जो है वो जहेज़ जहेज भी है, भी है। जहेज भी है और उसकी वजह यह है कि जो शख्स रोज़ समाज में ये देख रहा है कि बेटी की शादी पे इतना खर्च आता है और वो अपने रोज़ के मज़ के पूरे नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर एक ज़हमी जहनी दबाव होता है कि हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करेंगे इसका हल वो फौरी तौर पे ये तलाश करता है कि इस दुनिया में बच्ची को आने ही ना दिया जाए और फिर उसके बाद में आप देखिए एक खराबी से दूसरी खराबी दूसरी से तीसरी खराबी जुड़ी हुई है यानी फिर हमारे समाज का एक तोज़ुन भी बिगड़ता चला जाता है हमारे जितने बच्चे लड़के हैं उस तोज़ुन में लड़कियाँ नहीं हैं यानी ये भी फिर एक तोज़ुन बिगड़ेगा तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अखराज को कंट्रोल करें और ये भी समझें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक इम्पेक्ट समाज के ऊपर भी पड़ता है यानी यह सिर्फ हम कह के नहीं बच सकते हैं कि भाई ये हमारी अपनी ज़िंदगी है हमारी आज़ादी है हमारे इख्तियार नहीं हमारे इख्तियारत का ए, तो हैं लेकिन हमारा हम जो कुछ कर रहे हैं उसका समाज पर जो इम्पेक्ट पड़ रहा है वो गलत पड़ रहा है हमें ये समझाना होगा लोगों को महसर साहब हमारे बहुत से समाजी मसले जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो रस्मों से है रस्म व रिवाज से है तो क्या ये रस्में ही ग़लत हैं इस मुतल इस किताब का नज़रिया क्या है देखिए रस्में हर समाज में होती हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं लेकिन ये कि वो हमारी तहजीब का एक हिस्सा होती हैं हमारी तर्ज़ माशरत का एक हिस्सा होती है तो रस्में रहेंगी लेकिन उस ज़रूरी बात यह है उस किताब ने जो इस चीज़ को जिस मसले को उठाया है वो ये है कि रस्में बुरी नहीं हैं बस ये हमें यह याद रखना चाहिए कि रस्में जो हैं वो किसी बुनियाद समाजी ज़रूरत की वजह से वजूद में आती हैं मसलन किसी ज़माने में ये ज़रूरी था कि जहेज़ दिया जाए किसी ज़माने में ये ज़रूरी था कि ढोल बजाए जाएँ शादी में तो ये एक जमाने के तकाजे थे लेकिन जब हमारे समाज बदलता है तो हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं लेकिन रस्में अपनी जगह बरकरार रहती हैं तो ये कहते हैं कि रस्मों से कोई नफरत की ज़रूरत नहीं है बस हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें रस्मों दरसमें सही भी हैं और गलत भी हैं हमें उनका असिर नहीं होना है मज़र साहब ये दौर ये ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का है तो क्या इस किताब में जिन बातों का ज़िक्र है वो आज भी उतना ही असर रखता है ये आपने सही कहा कि ये साइंस का और बहुत से उलूम के सेरूज का दौर है लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जो समाजी तब्दीली अगर वाकई आप समाजी तब्दीली चाहते हैं तो आपको हर सतह पर काम करने की ज़रूरत होगी यानी आप मोबाइल टेक्नोलॉजी कार्टून प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी ज़रा जर, हैं आपको उनको इस्तेमाल में लेना होगा तभी यह समाज तब्दील हो सकता है उसकी वजह यह है कि हर जगह आपके मखातब किसी न किसी मकदार में मौजूद हैं तो आपको हर जरिए को अपन इस्तेमाल करना होगा अब ये किताब जो है वो इस तरह की किताब है कि जिसको एक ड्राइवर भी अपनी सीट के नीचे रख सकता है और उसको जब फुर्सत मिले तो वो उसको पढ़े तो फ़ौर ही उस तक इसके मतलब जो है पहुँच जाते हैं क्योंकि बहुत ही इलमी अंदाज में इसको नहीं पेश किया गया बहुत सी ज़्यादा हवाले नहीं दिए गए हैं एक ऐसे है कि यानी बिल्कुल आपके अपील करता है आपके माइंड को तो इस किताब में का तरीक़ा यह है कि वो एक आम आदमी को अपना मुखातब बनाती है। और इस किताब में दीगर और मसाइल और उनके जो हल की बात की गई है उस पर कुछ रोशनी डाली देखिए एक तो इस किताब के जो डिज़ाइन किया गया है वो नहीं, नसर भी है और उसमें नजम का भी हिस्सा है तो वो नजम और नसर जो है वो इसी तरह के जैसे जहेज़ के ऊपर है या जो हमारा मालिक है जो हमें पैदा करने वाला है वो उसके क्या सिफ़ात हैं उसके क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमारे उसके क्या फ़रज़ हैं तो इस तरह की नजमें भी इसमें शामिल हैं और नसर में तो जाहिर है पूरी किताब है ही तो इस अच्छा फिर यह है कि तालीम को अपने मैार अपना मौजू बनाती है और आपके जंगल हैं आप अपनी ख्वाहिश यानी तरक्की के धुन में आप इतने दीवाने ना हो जाएँ कि आप जंगलों को काटते चले जाएँ तो मैंने जैसा कि शुरुआत में अर्ज़ किया था कि आप ख्वाहिशों कैसे न कीजिए अपने आप को ख्वाहिशों को अपने कंट्रोल में रखिए तो ये ज़िंदगी बेहतर बन सकती है ये किताब हमारे समाज की मुसबत क़दरों को पेश करती है और वो क़दरें भी वो ऐसी हैं जिससे हर इंसान का सबका आज नहीं तो कल पढ़ना है मसलन उसके यहाँ शादी भी होनी है उसके यहाँ बच्चे की विलादत भी होनी है उस बच्चे की तालीम के मसाइल हैं और उसके फिर तरक्की के मसाइल हैं रोज़मर्रा में पेश आने वाले मसाइल को इस इस किताब में इस तरह से पेश किया गया है कि आप उससे मुतासर भी होंगे और वो फ़ौर ही उसका असर कबूल करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया महजर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और का भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती और इलमी गुफ्तु समाजी मसाइल के हवाले से हुई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तन साहब आपका आपकी टीम का और दूरदर्शन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया तो नाजरीन ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हम एक उर्दू किताब पर गुफगू कर रहे थे आइए चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिसमें हम एक हिंदी किताब पर गुफगू करेंगे नाजरीन एक बार फिर से ख़ैर मकदम है आपका प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक हिंदी किताब पर गुफगू करते हैं आज जिस किताब पर हम गुफ्तु करेंगे उसका है सरदार पटेल सचित्र जीवनी जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये तस्वीरों से भरी एक किताब है जिसमें सरदार पटेल की ज़िंदगी उनकी सियासी ज़िंदगी के मतलब ढेर सारी तस्वीरें और शुरुआत में एक उनकी छोटी सी सवानें भी हैं और इस किताब पर बात करने के लिए हमारे दरमियान हमारे मेहमान हैं जनाब सौरभ कुमार राय साहब आप गांधी स्मृति में शोध अधिकारी हैं बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस प्रोग्राम में जी शुक्रिया सौरभ जी पहला सवाल ये कि इस किताब के मतलब बताइए इसकी ख़ास बात क्या है इसकी अहमियत क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी पर कुछ रोशनी डाली है हमारे नाजरन के लिए जी सरदार पटेल जैसा कि आपने कहा आ, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो फ्रंट रनर्स थे जो अगड़े नेता थे उनमें से एक थे और महात्मा गांधी के काफ़ी क्लोज रहे काफ़ी जो है करीबी रहे महात्मा गांधी से वो पहली बार 1917 में मिलते हैं खेड़ा सत्याग्रह के दौरान और जैसा कि हमें आप दर्शकों को भी पता होगा सरदार पटेल एक काफ़ी लंबे समय के बाद राजनीति में आते हैं 1875 में उनका जन्म होता है और 1917 में जाकर वो जन राजनीति में आते हैं तो एक चालीस साल की उम्र के बाद लेकिन जब एक बार वो जन राजनीति में आते हैं तो वो पूरे राष्ट्रीय पटल पर जिसको कहते छा जाना चा जा। एक तरीके से और इस बारे में महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते भी हैं जब वो खेड़ा सत्याग्रह 1917 में चला रहे हैं और उसका दर्शकों को पता होगा कि खेड़ा सत्याग्रह का जो अंत होता है वो बहुत महात्मा गांधी के मन मुताबिक नहीं होता है एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएसन आती है लेकिन जब वो आत्मकथा में खेड़ा सत्याग्रह का ज़िक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा हासिल था वो ये था कि सरदार पटेल ने अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना और वो जन राजनीति की तरफ उन्मुख हुए और ये सबसे बड़ा हासिल था उस खेड़ा सत्याग्रह का एक बार सरदार पटेल फिर राजनीति में आते हैं फिर वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी बनते हैं और 1920 और 30 का दशक आते आते तो वो पूरे राष्ट्रीय पटल पे हमें दिखाई देते हैं और गांधी के काफ़ी करीबी रहते हैं और अंतिम समय तक मैं यहाँ पर एक विषयांतर करके इस किताब के कई भी क्या इम्पोर्टेंस है क्या जो है इसमें खास है उस पर मैं एक विषयांतर के साथ आऊँगा कि गांधी की जो हमारे पास अंतिम तस्वीर है वो सरदार पटेल के साथ है वो तस्वीर 30 जनवरी को चार से पाँच बजे के बीच की है जब सरदार पटेल बिड़ला हाउस जहाँ पर मैं काम करता हूँ गांधी स्मृति में वहाँ पर गांधी अपने जीवन के अंतिम एक दिन ठहरे थे और वहीं पर 30 जनवरी की शाम में चार से पाँच बजे के बीच सरदार पटेल उनसे मिलने जाते हैं और उस मीटिंग में क्या हुआ इसके कयास लगाए जाते हैं और उसी मीटिंग के जस्ट बाद पाँच बज के सत्रह मिनट पर गांधी की हत्या हो जाती है वो शहीद उनकी शहादत होती है उसी गांधी बिरला भवन में तो हमारे जो गांधी स्मृति संग्रहालय वहाँ पर विजिटर्स आते हैं और उस एक तस्वीर के पास सबसे ज़्यादा रुकते हैं और वो उन्हें एक रोमांच पैदा करती है वो तस्वीर कि आखिरकार क्या बातचीत हुई होगी दोनों के बीच सरदार पटेल और गांधी के बीच और तो कैसे तस्वीर आपको एक कई प्रश्न आपके जहन में उठाती है और ये इस किताब की खासियत है कि कैसे तस्वीरों के माध्यम से सरदार पटेल की जीवनी बताने के क्रम में वो कई प्रश्न भी कई सवाल सवालत भी जो है पाठक के मन में आते हैं और हमारे दौर के तो एक बहुत प्रमुख इतिहासकार हुए पीटर बर्क उनकी एक किताब है आई विटनेसिंग जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे तस्वीर के माध्यम से हम इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दिखा सकते हैं तो उस संदर्भ में हम देखें तो ये किताब काफ़ी महत्व की किताब है जी जी इस किताब के, के, के शुरुआत में आ, कुछ तस्वीरें हैं सरदार पटेल के बचपन की या कि उनके घर की उनके उनके रिश्तेदारों के बीच भाई बहनों के बीच तो ये कितना कितना लगाव पैदा करती है एक शख्सियत से जिसके बारे में हम जानते तो हैं मगर बहुत कुछ नहीं जानते हैं इस पर आप अपने अपने जी, आ, बहुत अच्छी बात कही आपने जो शुरुआती तस्वीर है वहाँ पर जब आप पटेल को देखेंगे उनके तस्वीरों को तो वो तस्वीरें आपको जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी रोचक भी लगेंगी कई मायनों में आ, एक तो जब पटेल का शुरुआती यात्रा आप देखेंगे तो सरदार पटेल बहुत ज़्यादा उनका जो ट्रेजेक्ट्री है जीवन का वो गांधी से मिलता जुलता है शुरुआत में जब वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो बहुत पैसा नहीं है तो वो काम में लग जाते हैं प्लीडर बन जाते हैं कोर्ट में जाते हैं लोगों की मदद करते हैं उसके बाद वो लंदन जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो फिर ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं और जब उन्हें ग्रांट मिल जाता है तो वो लंदन जाते हैं वहाँ पर वकालत की पढ़ाई करके वापस आते हैं तो उनकी कई सारी उस दौर की तस्वीरें हैं जहाँ पर सरदार पटेल हमारे बीच जो छवि है सरदार पटेल की शायद ही हमने उन्हें पश्चिमी वेशभूषा में बहुत कम देखा, देखा होगा या शायद ही किसी ने देखा हो वो तस्वीर भी इसमें है कि कैसे सरदार पटेल लंदन गए है, तो हैट पहने हुए हैं पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो वो देखने में तस्वीर काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी काफ़ी रोचक लगेंगी वो तस्वीरें इन तस्वीरों के अलावा कुछ दस्तावेज़ों की भी की भी फोटो है इसमें जिसमें क्या कहते हैं आ, किसानों के मतलब जो पटिशन या कोई उस तरह का एप्लीकेशन है उसकी भी तस्वीर इसमें इसमें दी गई है और इसके मुताबिक आप अपने नज़रिए से क्योंकि आप तारीख़ के स्टूडेंट हैं आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आपको एक अलग सी चीज क्या क्या लगती है इस किताब में जी इस किताब में जो दो मुझे महत्वपूर्ण बातें लगी जो कि सरदार पटेल पे जो बाकी किताबें उपलब्ध है उनसे इसे अलग बनाती है आ, उसमें पहली तो यह है कि जब सरदार पटेल के बारे में हम जब भी किसी से सरदार पटेल के बारे में बात की जाती है तो उसके दिमाग में जो छवि उभरती है सरदार पटेल की वो हमेशा धीर गंभीर टाइप की और ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है कई बार तो ऐसा उनका तस्वीर पेश किया जाता है लेकिन इस किताब में कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जहाँ सरदार पटेल हंस रहे हैं मुस्करा, मुस्करा रहे हैं और इस मुता इस मुतल कई बातें भी की गई हैं जैसे कि जो अंतिम तस्वीर है इस किताब में वहाँ पर सरदार पटेल की एक बहुत ही जहीन सी हस्ती हुई तस्वीर है और उसके नीचे सरदार पटेल का एक कोटेशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि कर्म तो पूजा है ही लेकिन हास्य जीवन है तो कैसे वो हादसे के बारे में सरदार पटेल कह रहे हैं और इसी में जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया गया सरदार पटेल के जीवन का वहाँ पर गांधी के मुताब गांधी के हवाले एक बात कही गई है वो संदर्भ कुछ इस प्रकार है कि हमें पता है कि असहयोग आंदोलन के बाद तर्क मवालात के बाद गांधी दूसरा बड़ा आंदोलन करते 1930 में सिविल नाफरमानी का और सिविल नाफरमानी की वो शुरुआत करते हैं और बीच में उसे गांधी इरविन पैक्ट के ज़रिए रोका जाता है कुछ समय के लिए गांधी जी जाते हैं लंदन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी करने लेकिन वहाँ पर जो बातचीत होती है वो विफल हो जाती है और वो वापस भारत लौटते हैं और भारत लौटने के एक हफ्ते के अंदर गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसमें सरदार पटेल भी शामिल रहते हैं और सरदार पटेल और गांधी जी दोनों यरवरा जेल में भेजे जाते हैं अब यरवदा जेल में करीब एक सवा साल जो है गांधी और पटेल साथ में रहे और गांधी जी वहाँ पर जब जेल से बाहर आते हैं तो लिखते हैं अपने एक जगह कि जेल में मुझे कभी भी निराशा महसूस नहीं हुई क्योंकि हमारे साथ एक विदूषक के तौर पर एक सरदार पटेल हर समय मौजूद थे जो गंभीर निराशा के क्षणों में भी हमें जो है वो हमारे हृदय को सुकून देने वाली बातें करते थे और हमें हंसाने की काबिलियत रखते थे तो सरदार पटेल की एक ऐसी इमेजरी इस किताब के माध्यम से भी उभरती है कि वो सिर्फ धीर गंभीर नहीं बल्कि जो है वो साथ साथ जो है काफ़ी हसमुख मिजाज के भी व्यक्ति थे उसी प्रकार जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता लगी मुझे इस किताब में कि कैसे तस्वीरों के माध्यम से जो आ, हमारे बीच क्या है कि कई सारे बाइनरीज हैं उन बाइनरीज़ में हम चीज़ों को देखना पसंद करते हैं आ, जनता के बीच भी वही बाइनरीज है कि कैसे सरदार पटेल बनाम नेहरू भगत सिंह बनाम गांधी इस तरीके के बाइनरीज़ क्रिएट किए गए हैं लेकिन वो बाइनरीज़ कहीं ठहरते नहीं जब आपकी इस किताब में जैसा कि आपने बताया कई सारे ख़त और कई सारे कई सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुए उनकी भी तस्वीर है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तस्वीर गांधी नेहरू और पटेल की है दोनों हंस मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ पर नेहरू का एक कोटेशन दिया हुआ कि कैसे सरदार मेरे सबसे भरोसेमंद मित्र हैं एक तरीके के शक्ति पुंज हैं वो और वो निराश हृदयों में भी जान फूंक देने वाले व्यक्ति हैं तो कैसे अलग अलग डायमेंसन दिखाया गया है और ये इस किताब की कुछ बहुत ही मुख्य विशेषताएँ हैं अब अगला सवाल सौरभ जी के रियासतों को एकजुट करने का काम जो सरदार पटेल ने किया मुल्क को मजबूत करने का काम जो सरदार पटेल ने किया उस मतलब तस्वीरें होंगी और उस मतलब आप क्या कहते हैं इस किताब के हवाले से जी बिल्कुल इस किताब का एक पूरा हिस्सा ही है एकजुट राष्ट्र की ओर शीर्षक से जहाँ पर कि सरदार पटेल की ऐसी तमाम तस्वीरें राज प्रमुखों और बाकी जो रियासतें उनके प्रमुख के साथ थी और ये बहुत बड़ा योगदान था सरदार पटेल का उस जब देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में तो उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में तकरीबन पाँच सौ रियासत थी और उन रियासतों को एक करके सरदार पटेल ने ये भारत की एक पूरी एक तरीके से नक्शा खींचा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, है और हमें ये देखना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो क्या या कुछ और लेकिन जब आप उन्नीस से बावन का वो प्रोविजनल पार्लियामेंट जिसको कहते हैं जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें जिन दो लोगों को याद किया जाता है एक तो अंबेडकर को संविधान बनाने के लिए और दूसरे रहते हैं सरदार पटेल उन देशी रियासतों को इकट्ठा करने के लिए तो एक तरीके से सरदार पटेल की उपलब्धि उस समय उस प्रोविज़नल पार्लियामेंट के जितने भी मंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री थे उनके तमाम अर्जित उपलब्धियों से कहीं बढ़ कर थी इस मामले में सौरभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतलब उनके हवाले से उनकी ज़िंदगी और उनकी सियासी जद्दोजहद पर बहुत इलमी और बड़ी कारद गुफ्तु हमारे दरमियान हुई तो नाजी चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानब जहाँ हम हफीज़ मेरठी की शायरी और उनकी शख्सियत को जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस दीवाने दिल को देखो क्या शेवा अपनाए है उस पर ही विश्वास करे है जिससे धोखा खाए है मुझको रंज दिया तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं फूल भी कांटा बन जाए है वक्त बुरा जब आए है इस तरह की आसान खूबसूरत और मान खेज शायरी के खालिक कोई और नहीं बल्कि दिल्ली से थोड़ी दूरी पर मेरठ के एक इंतहाई सलीम तबा हफीज मेरठी हैं इनका असल नाम रहमान था आपका आबाई वतन किरतपुर बिजनौर था आपके वालिद मोहतरम हकीम मोहम्मद इब्राहिम खलील किरतपुरी भी एक बेहतरीन सुखनवर थे हफीज मेरठी 10 जनवरी 1922 को मेरठ में पैदा हुए जहां उनका नन्हहाल था नाना मोहतरम मुंशी खादिम हुसैन की सरपरस्ती में 1949 में मेरठी ने फैज आम इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की नाना की वफ़ा की वजह से आपका सिलसिला हो गया लेकिन तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्नीस सौ सैतालीस में बतौर प्राइवेट उम्मीदवार आपने एफ ए का इम्तहान पास कर लिया मेरठ की इलमी और अदबी फिजा और वहाँ की तरबियत ने आपको शेर सुखन की तरफ रागब किया और आप 1940 से शेर कहने लगे मेरठ की तरफ नस्बत करके खुद को मेरठ ही कहने लगे और अदबी दुनिया में इसी नाम से शोहरत पाई 1950 के दहाई में अदबी रिसाला महानामा मेयार के मुदीर हुए इसके बाद माशी जरूरियात के पेश नजर कलेक्ट्रेट में मुलाजमत इख्तियार की बाद हजा कुछ दिनों तक इस्लामी गर्ल्स कॉलेज की मुलाजमत की फिर फैज आम इंटर कॉलेज मेरठ में क्लर्क की हैसियत से ख़िदमत अंजाम देने लगे और 10 जनवरी 1982 को वजीफा याब हुए हजरत हफीज मेरठी का पहला मजमु कलाम शेर शाम से उन्नीस सौ सत्तर में शायद हुआ जबकि मताए शब के मतरे से उनका दूसरा शेरी मजमु उन्नीस सौ छियासी में मंजर आम पर आया जिस पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकाडमी ने आपको इनाम से नवाजा इनका कुल शेरी सरमाया सरमायात हफीज के नाम मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स दहली ने इंतहा एहतान ऐसी शायद किया इस तरह शेर की आबियाारी करते हुए हफीज हफीज साहब ने 7 जनवरी 2000 को मेरठ में आखरी सांस ली। हफीज ही एक कलाम शायर हैं। उन्होंने हमदो اور سلام और सलाम समेत उर्दू की बहुत सी असनाफ में کی आजमाई की और शेरी दस्तरस का एहसास कराया क्या बताए कोई मरतबा आपका मदह ख्वाह है खुदा मुस्तफ़ा आपका हफीज मेरठी गजलों की नाकाबिले फरामोश शख्सियत हैं उनके कलाम में एक मखसूस किस्म का वालेहानापन पाया जाता है ए परस्तारान नगमा छोड़ कर तारे रुबाब आज कुछ दुखती रगों पर उंगलियां रखता हूँ मैं हीच है मेरी नजर में आशियानो गुलिस्तान आदमी हूँ अज़मे तामीर जहाँ रखता हूँ मैं हफीज मेरठी की गजलों में सादगी है उन्हें का मलफाज में बहुत कुछ कहने का हुनर आता है वो छोटी बहरों में भी अच्छे अशार कहते हैं और लंबी बहरों में भी वो कमाल के मानी पैदा करते हैं बहरे मोहब्बत तोबा तोबा डूबा जाए न तेरा जाए शीशा टूटे गुल मत जाए दिल टूटे आवाज न आए दिल में को वसलो याद यार तक बाकी नहीं आग इस घर में लगी ऐसी के सारा जल गया इस तरह हम देखते हैं कि हफीज़ मेरठी एक बेहतरीन और सवाल माशरे की तमीर के लिए एक मसलह का किरदार अदा करते थे उनकी गसलों में समाज को जगाने का मलका है ज़िंदगी में कुछ करने का अजम है और माशरे के लिए दर्दमंदी और फिक्रमंदी है नाजरीन हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह शुमारा पसंद आया होगा मुझे मुस्तैसन रिजवी और किताब कायनत की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त खुदा हाफ